मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग विद लविश्मी। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। किसके ऊपर, वो तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो यस, तो मैं आज जेंडर प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। और वीडियो का मतलब सुन के ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत फन करेंगे हम लोग। और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो मेरे बड़े लोग से मैंने सुना है, या फिर कुछ यूट्यूबर से मैंने देखा है, या फिर लोग मतलब क्या बोले, कुछ ओल्ड वाइब्स है उसके बेसिस पे। जेंडर प्रेडिक्शन के ऊपर मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में तो जेंडर प्रेडिक्शन करना इलीगल है, और बाकी दुबई और फॉरेन कंट्रीज में तो इलीगल नहीं है, लेकिन इंडिया में तो ये इलीगल है। तो जस्ट फॉर फन मैं वीडियो बना रही हूँ, गेस कर रही हूँ कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और वीक्स में मेरा बेबी आने वाला है, मेरा 36 वीक चल रहा है। सो मैं इसीलिए भी ये जेंडर प्रेडिक्शन वीडियो बना रही हूँ, और एंड में तो आप लोग को रिजल्ट पता चल ही जाएगा क्या है, हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मेरा डिलीवरी ब्लॉग भी आप लोग देखते रहिएगा। और रिसेंटली मैं कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो ब्लॉग देखते रहिएगा मेरा। तो चलिए ये वीडियो का भी स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं देखिए 12 क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले ली हूँ, शायद आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो वो 12 क्वेश्चन को मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या सिम्टम है, बेबी बॉय वाला है या बेबी गर्ल वाला है। और यहाँ पे मैंने दो कलम बना लिया है, एक गर्ल के लिए एक बॉय के लिए। तो जो सिम्टम मुझे है उसमें मैं नंबर मार्क करते रहूंगी, एंड रिजल्ट में देखूंगी कि कौन ज्यादा पॉइंट्स कैरी करता है, तो उस हिसाब से प्रेडिक्शन रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है हार्ट बीट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा लोग गेस करते हैं कि अगर बेबी का हार्ट बीट 140 बीपीएम से ज्यादा है तो लड़की होती है, और 140 बीपीएम से लेस है तो फिर लड़का होता है। तो मेरे साथ, मैं आप लोग को शेयर करती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरा सिर्फ एक ही, मतलब जितना भी स्कैन हुआ है सब लगभग सारे स्कैन में मेरा 140 से ज्यादा है, और सिर्फ एक एंटी स्कैन उसमें ही बेबी का जो हार्ट बीट है वो 134 आया था। तो इस हिसाब से तो मैं बेबी गर्ल को ही पॉइंट देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लगभग सारा ही जो भी मतलब हार्ट बीट का वो आया तो वो 140 से ऊपर है। तो ये वाला पॉइंट जाता है गर्ल्स को, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया गर्ल को। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेविंग्स। तो क्रेविंग्स मेरा शुरू से ही, मतलब क्या बोले, मेरा जब से भी प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, कुछ दिन तक मुझे खाना में थोड़ा रुचि कम होता था, लेकिन उसके बाद से मुझे खाना सब कुछ बहुत ज्यादा भूख लगता था, और मेरे को खाने में ज्यादातर सॉल्टी एंड स्पाइसी, मेरे को मतलब क्या बोले, मेरे को स्पाइसी खाना पसंद, मतलब स्पाइसी मतलब क्या, वो जो झाल होता है, तीखे खाना बहुत मुझे पसंद थे, और मेरे को मतलब क्या बोले, चटपटा सॉल्टी खाना ज्यादा पसंद है मीठे के कंपैरिजन में। लेकिन अभी लास्ट में मैं देख रही हूँ कि मुझे को स्वीट भी पसंद आने लगा है, लेकिन अभी तक थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने जो फील किया है कि मुझे सॉल्टी ज्यादा पसंद है। तो उस हिसाब से मैंने सुना है कि सॉल्टी अगर खाना पसंद है तो बेबी बॉय होता है, और स्वीट खाने से बेबी गर्ल, और बहुत कोई उल्टा भी बोलता है कि स्वीट खाने से बॉय होता है और सॉल्टी खाने से गर्ल। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप लोग बताइएगा क्या है। मैं तो मान रही हूँ कि सॉल्टी खाने से लड़का होता है, तो इस हिसाब से ये पॉइंट जाता है बॉय को। तो चलिए, बेबी बॉय का भी खाता खुल गया, उसको भी मिल गया एक पॉइंट। अभी बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों एक एक पे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेरा है स्लीपिंग पोस्चर, मतलब लेफ्ट साइड सोती हूँ या राइट साइड सोती हूँ। तो सुना गया है कि लेफ्ट साइड सोने से ज्यादा मतलब लड़का होता है, और राइट साइड सोने से लड़की होती है। तो मेरे साथ तो क्या बोले, मेरे को ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि मैं मतलब दोनों साइड ही सोती हूँ। मैं कंफर्टेबल ज्यादातर राइट और लेफ्ट साइड ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन मैं सोती बोथ साइड हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट साइड सोती हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं लेफ्ट साइड सोने से ब्लड फ्लो बेबी को अच्छा मिलता है, बॉय गर्ल का तो मुझे नहीं पता। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा लेफ्ट साइड ज्यादा सोती हूँ, राइट साइड कम, लेकिन मैं कंफर्टेबल बोथ साइड हूँ। तो उस हिसाब से बॉय को दिया जाए या गर्ल को दिया जाए,
बॉय को दिया जाए, क्योंकि मैं सोती तो ज्यादातर लेफ्ट साइड ही हूँ। तो चलिए बॉय को जाते हैं 1 पॉइंट सर। तो बॉय को मिल गया और 1 पॉइंट, मतलब टोटल हो गया बॉय को 2। बेबी गर्ल तुम पीछे क्यों रह गई, तुमको भी आगे आगे जाना है, तो अपना भी मार्क बढ़ाओ। चलिए मिलते हैं, तब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मतलब बेबी का जो कैरी करते हैं हम लोग, वो ऊपर में होता है, अपर होता है या लो होता है? तो वो सुना बोलते हैं लोग कि अपर में अगर कैरी कर रहे हैं तो होता है बेबी गर्ल, और लो में कैरी करते हैं तो होता है बॉय। तो उस हिसाब से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसमें भी, मेरे साथ मतलब क्या बोले कंबाइंड जैसा सिम्टम सारा होता है। तो मैं तो मतलब मिडिल में ज्यादा कैरी कर रही हूँ। मेरा जो बेली है, मैं आप लोग को यहाँ पे फोटो मेंशन कर दूंगी, जो मेरा बेली है ना ज्यादा अप है ना ज्यादा लो है, मिडिल में कैरी कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है मुझे नहीं पता। तो ये पॉइंट मैं किसको दूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो ये पॉइंट को मैं सोच रही हूँ, आप लोग बताएंगे तो उस हिसाब से मैं इसको ऐड कर दूंगी। अभी के लिए मैं ऐड नहीं करती हूँ, इसमें मैं ऐसे ही ब्लैंक रख देती हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने तो टोटल 12 क्वेश्चन लिए हैं, तो ये चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे शुरू से ही थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत कम रहा है। जब मैं मतलब क्या बोलूँ, मेरे को पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे कुछ करीबन 1 हफ्ता या मैक्सिमम 2 वीक्स जैसा मुझे थोड़ा सा वीकनेस था, लेकिन वैसे मॉर्निंग सिकनेस जैसा कुछ नहीं था मुझे, और ना ही मुझे ज्यादातर वॉमिटिंग हुआ है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। सो मुझे मतलब क्या बोले वैसा उतना ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस नहीं था, और ना ही मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी वॉमिटिंग हुआ है। वॉमिटिंग मुझे बहुत लेस था, मतलब अभी तक मैं मैक्सिमम मुझे 3 से 4 बार ही वॉमिटिंग हुआ है। तो मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन भी उतना ज्यादा नहीं था, तो नॉजिया वॉमिटिंग भी नहीं था, मॉर्निंग सिकनेस भी नहीं था। तो बोलते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस या नॉजिया वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होने से लड़की होती है और नहीं होने से लड़का होता है। तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को, और बेबी गर्ल का तो एक ही पॉइंट है, बेबी बॉय को मिल गए अब 3 पॉइंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाजेंटा का पोजीशन। तो प्लाजेंटा का पोजीशन 3 तरह से होता है, एक होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रीविया। तो बोलते हैं कि अगर प्लेजेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होता है, और एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होता है। तो मेरा अभी तक 3 सोनोग्राफी हुआ है, और 3 सोनोग्राफी में ही मेरा मतलब क्या बोले पोस्टीरियर आया है। तो उस हिसाब से ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय को टोटल हो गए 4 पॉइंट्स। उसके बाद आते हैं वेट गेन की तरफ। 7th क्वेश्चन मेरा है वेट गेन। तो मेरा जो वेट गेन है थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब अभी तक मैं मान लीजिए मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया, तो अभी तक मेरा 16 kg वेट गेन हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है मेरा। और जो भी वेट गेन हुआ है मेरा थ्रू आउट मतलब क्या बोले थ्रू आउट प्रेगनेंसी हुआ है, और मतलब मैं खाना अच्छा खाती थी तो मेरा वेट गेन भी बहुत उस हिसाब से अच्छा हुआ है, और मैं ओवरऑल वेट गेन हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टमक में हुआ है। तो बोलते हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मतलब क्या बोले ओवरऑल वेट गेन होने से लड़की होती है, और सिर्फ मतलब क्या बोले टमी एरिया में बम्प में ही अगर वेट गेन होता है तो लड़का होता है। तो इस हिसाब से पॉइंट जाते हैं लड़की को। तो चलिए लड़की को मिल गए 2 पॉइंट्स। अब जाते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन है स्किन एंड हेयर। तो बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो मतलब हमारा जो स्किन होता है या फिर मतलब हेयर जो होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, हेयर क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है, शाइनी हो जाता है, वो उतना ज्यादा झड़ता नहीं है, और स्किन जो होता है स्किन भी काफी ग्लोई हो जाता है। तो उस हिसाब से मेरा साथ मतलब, और लड़की होने से क्या होता है कि हेयर भी डल हो जाते हैं, फेस डल हो जाता है, क्योंकि जो भी सुंदरता होता है वो बेबी गर्ल को चला जाता है। तो मेरे साथ मतलब क्या बोले मेरा हेयर तो बहुत अच्छा रहा है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बहुत नहीं झड़ता है और काफी शाइनी भी है, लेकिन मेरा फेस मतलब फेस का तो नहीं बोलेंगे, फेस तो भी थोड़ा ठीक ठाक है, स्टार्टिंग में थोड़ा खराब हो रहा था, लेकिन मेरा जो नेक एरिया है आप लोग देख रह सकते हैं कितना डार्क हो गया,
पूरा मतलब ओवरऑल में मतलब क्या बोले, जितने भी मतलब हिडन एरियाज होते हैं काफी डार्क हो गया, तो उस हिसाब से ये पॉइंट्स जहाँ मतलब क्या बोले, मेरा बोल तो रहे हैं आप लोग के साथ, मेरे साथ मतलब क्या बोला, दोनों ही थोड़ा थोड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बॉय का सिम्टम है थोड़ा गर्ल का सिम्टम है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो देखा जाए तो मेरा स्किन थोड़ा डल ही हो गया है, तो उस हिसाब से ये पॉइंट्स भी जाते हैं बेबी गर्ल को, तो बेबी गर्ल को मिल गए 3 पॉइंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर नाइग्रा। तो लीनियर नाइग्रा क्या है कि हमारा जो बेली होता है स्टम, मतलब जो हमारा बेबी बम होता है, वो हमारा एकदम नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन जाता है, डार्क लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर नाइग्रा। तो वो अगर नाभि तक आके खत्म हो गया तो बोलते हैं कि बेबी गर्ल है, ऊपर तक गया एकदम चेस्ट की तरफ तो बोलते हैं बेबी बॉय है, और एक बोलते हैं कि अगर वो जिगजैग में है तो बेबी गर्ल होता है, और स्ट्रेट गया है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरा जो लीनियर नाइग्रा का लाइन है वो मेरा एकदम नीचे से एकदम ऊपर की तरफ है, चेस्ट की तरफ है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट्स जाते हैं बेबी बॉय को। तो फिर से बेबी बॉय को पॉइंट्स चला गया, बेबी बॉय को मिल गया 5 पॉइंट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, बेबी मतलब बेबी आपको ज्यादा एक्टिव फील होता है या फिर पेट में मतलब वो ज्यादा किक करता है या फिर लेस किक करता है या फिर मतलब लेजी है थोड़ा। बोलते हैं कि बेबी ज्यादा एक्टिव है तो बेबी बॉय है, और थोड़ा लेस मतलब लेजी है तो गर्ल है। तो मेरे को तो मतलब क्या बोले, 5th से 6th मंथ, जो 7 मंथ तक बेबी बहुत एक्टिव फील होता था, मतलब दिन भर में ऑलवेज जब भी फील करते थे तो मूवमेंट होता था, लेकिन अभी लास्ट के टाइम मेरा थोड़ा सा मूवमेंट कम गया है, और शायद ये कम जाता है क्योंकि बेबी एक पर्टिकुलर पोजीशन में फिक्स हो जाता है, तो उस हिसाब से ये पॉइंट्स भी जाते हैं बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय को मिल गए 6 पॉइंट, और बेबी गर्ल को अभी भी 3 पॉइंट्स ही मिले हैं। मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हस्बैंड का वेट गेन के ऊपर है, तो अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके साथ साथ आपके पार्टनर का भी वेट गेन हो रहा है तो मानते हैं कि लड़की होती है, और अगर वेट लूज हो रहा है तो लड़का होता है। तो मेरे हस्बैंड का मतलब वेट लूज ही हुआ है प्रेगनेंसी में, मेरा तो बढ़ गया है लेकिन उनका कम गया है, तो उस हिसाब से पॉइंट्स भी जाते हैं लड़के को। और लास्ट जो क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि मतलब एक रिंग को एक धागा में डाल के अगर वो सर्कल में मूव करता है तो लड़की होती है, अगर ऐसे मूव करता है तो लड़का होता है। तो चलिए चेक करते हैं, मैं अपना बाल को एक ले लेती हूँ, ये देखिए मैंने हेयर ले लिया है, अब मैं इसको मूव करती हूँ और देखिए सर्कल में घूमता है या मतलब कैसे। देखिए सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में देखिए सर्कल में घूम रहा है, तो उस हिसाब से ये पॉइंट जाते हैं बेबी गर्ल को। तो सारा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो एंड में बेबी गर्ल को मिल गए हैं टोटल 4 पॉइंट्स, और बेबी बॉय को मिल गए हैं 7 पॉइंट। 1 पॉइंट तो कंफ्यूजन है, आप लोग बता दीजिएगा कि मतलब मेरा पिक देख के कि वो बेबी बॉय है या गर्ल है। तो एंड में रिजल्ट में विनर तो बेबी बॉय हो गया है, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरे को तो बेबी गर्ल का ही शौक ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर बेबी गर्ल होती है तो मैं ज्यादा खुश होंगी, और बेबी बॉय होता है तो भी मैं खुश होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चा तो हमारा दोनों ही है, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, दोनों के लिए वेलकम, दोनों के ये मोस्ट वेलकम है, लेकिन बेबी गर्ल होगा तो ज्यादा खुश होंगी। सो ये वीडियो मेरा जस्ट फन के लिए था, फन समझ के ही लीजिएगा उसको, इतना सीरियस मत लीजिएगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, देयर इज चांसेस ऑफ मतलब क्या बोले, बोथ बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय इक्वल है, सो हम मतलब कोई श्योर होके नहीं बोल सकते, लेकिन जस्ट ओल्ड वाइब्स के बेसिस पे आप लोग के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस सिम्टम है वो शेयर किए, आप लोग के साथ भी क्या होता है आप लोग भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में कीजिएगा या फिर वीडियोस में कीजिएगा। देखो थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे अंदर से फीलिंग आता है, लेकिन सिम्टम्स तो मैं नहीं जानती,
सिम्टम्स तो ये लोग बोलते हैं, लेकिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे अंदर से फील होता है कि शायद मुझे बेबी गर्ल होगी। तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि मेरे को शायद बेबी गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी। तो देखा जाए, अब बहुत जल्दी आने वाला है, तो या आने वाली है, तो देखिए क्या होता है। तो इसको देखने के लिए आप लोग को मेरा चैनल को देखते रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाए। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये वीडियो मेरा जस्ट फन के लिए था तो इसको बस फन के लिए ही लीजिए, इतना सीरियसली मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।